सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। गढ़वा जिले के केतार प्रखंड के झामुमो नेता व समाज सेवी व जनप्रतिनिधियों ने राज्यपाल से पलामू प्रमंडल को आकार घोषित करने की मांग की है। साथ ही राहत कार्य चलाने की भी मांग की है ताकि किसानों और जन जीवन को राह मिल सके। देखा जाए तो किसानों के द्वारा अपने अपने खेतों में धान का बिचड़ा व अरहर तिल मक्का उड़द दिन प्रतिदिन धूप से सूख रहे हैं। कुछ किसानों के पास अपना व्यवस्था है, फिर भी धान को बिचड़ों को लाने में दिन रात लगे हुए हैं। धान का फसल का आसार नहीं दिख रहा है। केतार प्रखंड के एक कुशल किसान योगेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि अब तक किसान धान के रोपनी में लगे रहते थे, सामने किसानों को ऊपर ऐसा कहर बरसा, अपने पास से भी जो भी पैसा था वह भी खेतों में लगा दिए हैं। मौके पर उप प्रमुख शंभू सिंह खरवार, समाज सेवी अजय वर्मा, राविचार साहू, जसमुद्दीन अंसारी, मानवाधिकार के प्रखंड अध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता, बिसुनदेव राम इत्यादि लोग उपस्थित थे। केतार से सूरज कुमार की रिपोर्ट। खरवार केतार के उप प्रमुख, यहाँ का केतार वासियों को, मैं किसान भाइयों, नौजवान मजदूर का सभी को अपना ओर से मैं नमस्कार और मैं झारखंडी जोहार करता हूँ। केतार प्रखंड पिछड़ा प्रखंड है। यहाँ पर सुखाड़ घोषित ना, यहाँ अकाल घोषित होना चाहिए ताकि जो है यहाँ का चंद्र कुमार सिंह मुकुंदपुर का रहने वाला हूँ। हमारा उम्र लगभग 64 साल हो रहा है। अभी तक की यह स्थिति है कि 64 साल के उम्र में ऐसी बरसात की स्थिति हमने नहीं देखा। स्थिति यह है कि किसान किसी तरह हल्का फुल्का जो बारिश हुआ था उसमें रहर मकई का बुआई तो कर दिया गया, लेकिन यार तो जर्मिनेशन हुआ नहीं, और जो जर्मिनेशन रहर मकई का हुआ भी वो अभी सूख गया। स्थिति यह है कि आम आदमी का जीना दुभर हो जाएगा यदि सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं किया गया। यहाँ तक कि माल मवेशी जानवर को खिलाने पिलाने के लिए भी जब धान होगा नहीं, पुआल होगा नहीं, कोई फसल होगा नहीं, तो जानवर के लिए चारा की, इसलिए चारा की स्थिति तो दिक्कत हो ही जाना है। ऐसी स्थिति में हम लोग चाहेंगे झारखंड सरकार से व्यवस्था गढ़वा जिला। नमस्कार, जय भीम जोहार। केतार प्रखंड गढ़वा जिला का सबसे पिछड़ा प्रखंड है और यहाँ के आम मास जो है वह कृषि पर ही निर्भर है और धान के बिचड़े जो हैं एकदम पूरा पूरी सूख गए हैं। मौसी के भी सामने, जानवर के सामने भी एकदम चारा का संकट है। इसलिए हम लोग केतार प्रखंड की ओर से, जनता की ओर से, महामहिम राज्यपाल महोदय से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द केतार प्रखंड सहित गढ़वा जिला को अकाल क्षेत्र घोषित करके और राहत कार्य चलाया जाए जिससे कि जनमानस और यहाँ के मवेशियों का जीवन यापन हो सके। और यह जो अकाल है, एकदम भयंकर अकाल हो गया है। यहाँ मकई का भी फसल पूरी जम नहीं पाया है और कोई जमा भी है फसल तो भी पूरा पूरी बर्बाद हो गया है, पूरा सूख गया है, धान के बिचड़ा सूख गए हैं। किसी तरह का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मवेशी के सामने चारा समस्या उत्पन्न हो गया है। इसलिए हम महामहिम से आग्रह करते हैं कि गढ़वा जिला के केतार प्रखंड सबसे गरीब प्रखंड है और समस्त पूरे गढ़वा जिला को अकाल क्षेत्र घोषित करके अविलंब राहत कार्य चलाने की कृपा की जाए।